जरा पीजे मीर साहब, ये एनआरओ की बातें बड़ी गर्दिश करने लग गई हैं, और ये कोई एक आधी तरफ से नहीं आ रही है, हर तरफ से बातें आने लगी हैं, जिसके ऊपर एहसन इकबाल साहब को भी वजाहत करना पड़ी कि हमारा तो एनआरओ जो होगा वो नेशन रिवाइवल ऑर्डर होगा। ये बताइएगा, ये एनआरओ कुछ एक्सपेक्टेड है या नहीं? क्या हालात 99 जितने बुरे हो गए हैं जो यहाँ सऊदी अरब जाकर कुछ आशीर्वाद लेने की जरूरत पड़ रही? देखिए अनिका, मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ कि एनआरओ, क्योंकि इसमें आप एक आदमी को नहीं आप मुलव्वज़ कर सकते हैं, या दो को करें या पांच को करें। बेसिकली ये आपकी जो एंटायर कैबिनेट है, कैबिनेट नहीं, ये आपका पार्लियामेंट कहो, एंटायर पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रोविंशियल असेंबलीज, ये सारे कॉम्प्रोमाइज मेंबर्स बैठे हुए हैं। क्यों? किसी ना किसी के ऊपर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम हैं। अब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, गवर्नमेंट का पैसा लगाएंगे, आप स्टेट का पैसा लगाएंगे, कब तक लगाते रहेंगे? और आपकी हुकूमतें बदलती रहेंगी और आप उन्हीं केसेस को डील करते रहेंगे। वक्त आ गया है, और ये मैं दो साल से कह रहा हूँ, कि आप एक कराएं नेशनल रिकन्सिलिएशन एंड ट्रूथ कमीशन। इसके अंदर आप एक दफ़ा डिक्लेरेशन कर दें, एक परसेंटेज रख दें, जो डिसाइड कर लें, जजेस कर लें, जो मर्जी कर लें, कि आप 5% 6% जो भी है, आप जो आपने कमाया है, जो लिया हुआ है, जिस चीज़ के ऊपर कुछ चार्जेस हैं वो दे दो, और क्लीन स्लेट करके आगे चलो। इसमें दो चीज़ें हैं, स्टेट का वक्त बचता है, दूसरा स्टेट के पास पैसा आता है, तीसरा अब आप इन सब का मॉनिटरिंग एक फेयर कर सकते हो। अब आप एक को पकड़ोगे, दूसरा कहेगा, वो कहेगा भी दूसरे को क्यों नहीं पकड़ा, तीसरे को क्यों नहीं पकड़ा, बिकॉज जो भी पॉलिटिक्स में आए हैं, दे ऑल मेड मनी, लुक एट द बैकग्राउंड्स एंड लुक एट द करंट फाइनेंशियल स्टेटस। अब इस चीज को अगर आप देखोगे तो आई थिंक यू विल गेट समवेयर। अदरवाइज हम यही कहेंगे कि भाई ये एनआरओ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, एंड इट्स अ बेसलेस डिस्कशन। सही, ठीक है। मतलब एक जगह पर एक वॉशिंग मशीन बनाई जाए, इन अदर वर्ड्स पीजे मीर साहब, वो वॉशिंग मशीन ऐसी हो जो सबको धो दे। इट हैज टू बी, यस अनिका, इट हैज टू बी अ वॉशिंग मशीन, बिकॉज आप ये जो लॉन्ड्री है, ये इतनी गंदी लॉन्ड्री हो गई है हर एक की, कि आप एक हुकूमत आती है 20 साल पुराना केस खोल देते हैं, फिर तीसरी हुकूमत आती है वो 25 साल पुराना केस खोल देती है। हाउ लॉन्ग विल यू कंटिन्यू? बिकॉज हर चीज आप पोलिटिकली मोटिवेट होकर कर रहे हो। आप इस मोटिवेशन को खत्म कर दो, पोलिटिकल मोटिवेशन को। लेट्स बी फेयर वंस एंड फॉर ऑल। ये चीज नहीं हुई है पाकिस्तान में, अब हो रही है, इट इज अ गुड साइन। आपने एक प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया है ना, तो इस लिहाज से आप बाकियों को भी पकड़ो। और मैं तो कहूंगा कि इस प्राइम मिनिस्टर जो डिस्क्वालीफाई हुए, इनको भी आप ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन में लेके आओ। बिकॉज देखो अनिका, नवाज शरीफ सिटिंग आउटसाइड इज गोइंग टू बी फार मोर डेंजरस इन द पॉलिटिकल फील्ड रादर देन व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। तो आई फील कि आप इनसे हरजाना ले लो, बाकियों से भी ले लो, एंड स्टार्ट अफ्रेश। अदरवाइज दिस इज अ नॉन एंडिंग डिबेट व्हिच इज ओनली गोइंग टू डैमेज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान।